पायलट साहब ने जो लगातार वो आपने सरकार के खिलाफ सर कुछ तो सर वो क्या पार्टी से गलत गतिविधि कर रहे हैं? तृतीय श्रेणी के अध्यापक और अन्य श्रेणी के अध्यापकों के तबादले जो है जैसे ही बैन खुलेगा उस पर विचार करके उचित निर्णय किया जाएगा। पायलट साहब ने जो लगातार वो आपने सरकार के खिलाफ कुछ तो सर वो क्या पार्टी से गलत गतिविधि कर रहे हैं? राजस्थान की राजनीति और तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादला लेकर हमारे साथ शिक्षा मंत्री बीडी कला जी खुद मौजूद है। सर लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लेकर मांग उठती आ रही है, आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हो रही है, कब तक उम्मीद लगाए बैठे? तृतीय श्रेणी के अध्यापक और अन्य श्रेणी के अध्यापकों के तबादले जो है जैसे ही बैन खुलेगा उस पर विचार करके उचित निर्णय किया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री आवास पर सीएम से मुलाकात भी हुई थी, आई लव यू गहलोत के नारे भी लगे थे वहाँ पर। हाँ तो मैंने कहा ना कि जैसे ही बैन खुलेगा तभी तो होंगे ना, प्रतिबंध खुलने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहाँ पर कुछ जो तृतीय शिक्षक थे उन्होंने कहा था कि नारे जबरदस्ती लगवाए गए थे, कुछ शिक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ये मेरे को क्या पता कैसे क्या हुआ। अच्छा पायलट साहब ने जो लगातार वो आपने सरकार के खिलाफ कुछ तो सर वो क्या पार्टी से गलत गतिविधि कर रहे हैं सर कुछ? देखिए ये थे शिक्षा मंत्री बी डी कला जी जो कि पायलट के सवाल पर जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जिस तरह से राजस्थान की राजनीति गर्माती आ रही है, कल प्रभारी ने भी बयान दिया था कि जो पायलट ने जो रैली की थी सरकार के विरोध में, पद यात्रा की थी, वो कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी थी, लेकिन उनको यदि कुछ यदि रखना भी था, अपनी बात रखनी भी थी, तो पार्टी के पटल पर रखते हैं। और इसी बीच जिस तरह से शिक्षा मंत्री इन पायलट के बयानों को लेकर बचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी बोलने से कह सकते हैं कि कतरा रहे हैं, और ऐसे में लगातार जो कि उनके ही महकमे के या यूं कहे कि उन्हीं के सरकार में जो मंत्री हैं, प्रताप सिंह खाचरवास हो तो दूसरे तमाम मंत्री हैं, वो लगातार एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बी डी कला इस मामले पर चुप है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।